स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बता दें, संडे को भी छात्रवृत्ति दोस्तों छात्रों की पीएफएमएस पे शो हो रही है और आप लोगों को हम लाइव यहां पे दिखाएंगे और उनकी छात्रवृत्ति आते हुए किन की आई है। सो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, जो भी स्टूडेंट है और जो भी नए स्टूडेंट है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों आप लोगों को पीएफएमएस पे अपना छात्रवृत्ति देखने के लिए सिंपली आप लोगों को वेबसाइट अपने गूगल पे डालना होगा, sarkarijob.cu। ये वेबसाइट आप लोग जब भी अपने गूगल पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए यूपी स्कॉलरशिप चेक बैंक अकाउंट 2021 पे आप लोगों को क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सो दोस्तों यहाँ से अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली जो है नीचे आना है, यहाँ से नीचे आना है और आप लोगों को नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ढूँढना है जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जब नीचे आओगे यहाँ से आप लोगों को जो है अपना पीएफएमएस का वो देखना है। कैसे आप लोग देखोगे, यहाँ से आप लोग जब नीचे आओगे यहाँ से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को आ रहा है चेक स्कॉलरशिप स्टेटस इन बैंक अकाउंट ऑल स्टूडेंट। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। सो सिंपल है, यहाँ पे इस ऐड को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अब आप लोगों को अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों का बैंक हो उसको आप लोगों को फिल करना है। जैसे कि हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो आप लोगों को आधा लिख देना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आप आधा लिखते हो तो पूरा नीचे लिख के आ जाता है। इसको आप लोगों को नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आप लोगों का अकाउंट मिला हुआ है उसको फिल करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अकाउंट फिल करने के बाद सेम अकाउंट नंबर इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर में भी डालना है, सेम अकाउंट नंबर ये आप लोगों को डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा मिला हुआ है वर्ड वेरिफिकेशन में ऊपर वाला, इसको आप लोगों को नीचे फिलअप करना है, ठीक है। नीचे इसको यहाँ पे डालना है। सो आप लोगों को सर्च पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आसानी से आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हम आप लोगों को अब जिनकी स्कॉलरशिप आई है वो आप लोगों को हम दिखाएँगे। तो आप लोग पहली छात्रवृत्ति देख सकते हो, जैसा कि आप लोग यहां पे ऐसा लाइव यहां पे देखोगे हम आप लोगों को दिखा दे। यहां पे देखिए इनकी छात्रवृत्ति विपिन कुमार इनका नाम है और दोस्तों ये संडे की है, SUNDAY और संडे 28 मार्च की इनकी 56,600 अंडर प्रोसेसिंग अभी शो हुई है, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को बता दें 28 मार्च को भी छात्रवृत्ति आ रही है, आप लोग घबराएं जाए नहीं, जिनका अभी तक नहीं आया है वे वेट कर लें। और दोस्तों हम आप लोगों को सेकंड स्कॉलरशिप आप लोगों को दिखाएंगे हम आप लोगों को। दोस्तों ये छात्रवृत्ति आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को हम दिखा दें ये 28 मार्च की छात्रवृत्ति है, आज की संडे की छात्रवृत्ति आई हुई है। जैसा कि आप लोग इनका देखोगे हम लोगों को दिखा दें, इनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और दोस्तों इनका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मनीष कुमार वर्मा इनका नाम है। और दोस्तों इनका जो स्कॉलरशिप है फीस यहाँ पे देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फीस रिमेंबर्समेंट स्कीम फॉर ओबीसीज़, तो ओबीसी की छात्रवृत्ति है इनका, 12,360 रुपये अंडर प्रोसेसिंग में शो हुआ है। दोस्तों सभी स्टूडेंटों का शो होगा, आप लोगों की अगर जो अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आई है आप लोगों को आ जाएगी, क्योंकि 31 मार्च से आप लोगों की डेट बढ़ा के यहाँ पर कर दी गई है 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल तक सारे स्टूडेंटों की छात्रवृत्ति आ जाएगी जिनकी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को हम थर्ड स्कॉलरशिप दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी छात्रवृत्ति आप लोग देख सकते हो, ये पिछले ही दिनों की छात्रवृत्ति है और ये भी छात्रवृत्ति दोस्तों यहाँ पे जनरल की आई हुई है। दोस्तों इनका आशीष सिंह नाम है और दोस्तों इनकी जो अमाउंट है 2,000 यानी कि 23,600 अंडर प्रोसेसिंग शो हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है और ये छात्रवृत्ति जिनकी भी आई है पीएफएमएस पे वो दोस्तों
यहाँ पे कितने दिनों में उनकी आ जाएगी बैंक में। दोस्तों उनकी सास से यहाँ पे 8 दिन के बीच में उनकी छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में पहुँच जाती है। यहाँ पे वर्क होता है यानी कि 7 से 8 दिन वर्किंग डे में उनकी छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, ठीक है। और दोस्तों यहां पे जिनकी 100 नहीं हुई वे कृपया वेट कर लें, क्योंकि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो दोस्तों छुट्टियों की वजह से कल या परसों नहीं आएगी, क्योंकि होली की छुट्टी है। उसके बाद आप लोगों की 100 होना स्टार्ट होगी। आप लोग घबराएं नहीं कि कल 100 ना होए तो आप लोग यहां पे घबराने लगो कि अब नहीं आएगी। आप लोगों की लास्ट डेट यहां पे 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल तक आप लोगों की छात्रवृत्ति आएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा वीडियो। जो चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।